कहते हैं ये इंडिया है, आपको कभी भी किसी भी मोड़ पर आपको कोई भी टैलेंटेड इंसान मिल सकता है, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हो कि हमारे भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। किसी भी जगह चले जाओ तो आपको कोई ना कोई टैलेंट मिल जाएगा। कहीं आप जाओगे तो आपको सिंगर मिल जाएगा, कहीं एक्टर मिल जाएगा, कहीं कोई मिमिक्री आर्टिस्ट मिल जाएगा, मतलब कोई भी टैलेंट आपको कभी भी मिल सकता है। ये अपनी इंडिया की पहचान है। मैं कहीं बैठा हुआ था तो मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई, ताकि जगजीत सिंह जी की गज़ल गा रहा था चुपके चुपके। आप लोग सुन चुके होंगे, बहुत अच्छी गज़ल है। अगर कोई भी इसे गाता है तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग वहाँ पर चला जाता है। फाइनली मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैं उसके पास पहुँचा और मैंने उससे कहा कि ये भाई आप मुझे ये गाना स्टार्टिंग से सुनाओ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब इनका गाना स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो गया, मुझे इतनी अच्छी आवाज़ लगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर इस टैलेंट को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर दे दिया जाए जहाँ पर इसे आगे बढ़ने का मौका मिल सके। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, खींच लेना वो मेरा पर्दे का होना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का होना दफतन, दुपट्टे से तेरा बोम छुपाना याद है, हमको अब तक आशिकी का जमाना याद है। अब आपने आवाज़ तो इस बंदे की सुन ली, और जहाँ तक मेरा मानना है बंदे ने बहुत अच्छा गाना गाया है और आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जहाँ तक जगजीत सिंह जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। मिलना जुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो फील के साथ जगजीत सिंह जी गाते हैं वैसा ही फील मुझे इस बंदे के अंदर भी नज़र आया है। थोड़ा सीखने की ज़रूरत है तो वो बाद की बात है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो इस बंदे को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।